हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो मैंने कहा थोड़ा सा मार्केट के बारे में देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट इस वक्त कैसे चल रही है और हम मार्केट से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो आज थोड़ा सा जो मार्केट है वो स्टेबल मोड पर चल रही है। कुछ 30% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, मगर उससे पहले जो मार्केट थी वो 15-20 पॉइंट डाउन भी थी। इवन काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, अगर मैं बात करूँ 50% के आसपास डाउन थी। बट अगर मैं मार्केट की इन जनरल ओवर एंड ऑल बात करूँ तो नॉर्मल चल रही है, मगर इस वक्त जो मार्केट है वो 17,000 के पॉइंट पे चल रही है। और हम आने वाले दिनों में मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि रिसेंटली जो फेड ने इंक्रीमेंट किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का 75 बेसिस पॉइंट्स का, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो US मार्केट में भी देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे आपको नैसडेक दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नैसडेक है वो 10,800 के आसपास चल रहा है। अगर मैं लास्ट 5 दिन की बात करूँ तो तकरीबन 6% 5.5% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। अब जो सैटरडे है 30 सितंबर को RBI भी लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीमेंट कर सकती है, तो इसका इंपैक्ट जो है मार्केट पे भी पड़ सकता है, इंडिया मार्केट पे भी पड़ सकता है। आई नो अभी तक इंडिया मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसने ग्लोबली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी की मार्केट्स के साथ, बाकी के देशों की मार्केट के साथ, स्पेसिफाई करूँ अगर मैं US की मार्केट के साथ, तो जो इंडिया की मार्केट है अभी तक उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दी है। बट आने वाले समय में इसमें दबाव देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ अगले 15-20 दिनों की, तो मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे जाएगी। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूँ, मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट के बारे में। उसका कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट है, शॉर्ट टर्म में अगर मैं 10-15% या 20% की भी हमें गिरावट देखने को मिलती है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। मगर अगर मैं लॉन्ग टर्म की अगेन बात करूँ, तो China+1 की जो स्ट्रेटजी है वो उस पर वर्क कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाने के मूड में है। और सबसे बड़ी बात गाइज, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जब इलेक्शन का टाइम हो तो इंडिया रिसेशन के बीच में खड़ा हो या रिसेशन के साथ साथ मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो। इसका जो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे लगता है कि जो इंडियन मार्केट है वो अगले 6-12 महीने में या 18 महीने तक की अगर मैं बात करूं तो 21,000 के मार्क को भी टच कर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन आएंगे। और अगर इलेक्शन का जो जो फेवर में निकलता है करंट गवर्नमेंट के पास, जो रिज़ल्ट है उसका करंट गवर्नमेंट के फेवर में आता है, तो हमें उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि मार्केट नए हाइज बनाए। अगर मैं रिसेशन की बात करूँ तो इंडिया में रिसेशन आने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है। हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर न्यूज़ आ रही है, जैसे चाइना की न्यूज़ आ रही थी, रशिया यूक्रेन की वॉर न्यूज़ थी, US में रिसेशन की न्यूज़ है, इन वजह से थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए देखा जा सकता है। मगर अभी अगर ये मार्केट दोबारा से 16,000 से नीचे आती है या 15,000 तक जाती है, तो वो एक क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट मैं इस वक्त 12,000 या 13,000 को टच करते हुए नहीं देख रहा हूँ, बट मैं डेफिनेटली मार्केट को अगले 17-18 महीने में 20-21,000 टच करते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद हम एक बार क्विकली आ जाते हैं NSE के दूसरे स्टॉक्स पे। अगर मैं बात करूँ तो आज जो मार्केट में 27 स्टॉक जो है एडवांस गए हैं निफ्टी 50 के, 22 डिक्लाइन हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि IT स्टॉक्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो या SCL हो, ये चारों जो स्टॉक्स हैं वो अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। मगर अगर मैं FMCG सेक्टर्स की बात कर लूँ या बैंकिंग सेक्टर की बात कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। लास्ट हमें जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपट्रेंड देखने को मिला है, उसने एक नए हाई बनाए हैं। अब उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है। हमें रिसेंटली जो मार्केट भी दोबारा से 18,000 को टच करते हुए दिखी थी, और उसके बाद सेम मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये होता ही रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इस वक्त जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं वो अगर कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। मैं इस वक्त पूरे IT सेक्टर पे बुलिश हूँ, मगर क्या ये एक बाइंग रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, और अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही कोई भी स्टॉक बाय कीजिए। मगर अगर मैं अपना पर्सनल व्यू प्रोवाइड बताऊँ, तो इस वक्त मैं
आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट 30-40% लो पे मिल रहा है और ये काफ़ी हैवी डिस्काउंट है। मुझे पता है कि आने वाले 2 या 3 सालों में जो ये है कि अपने दोबारा से जो न्यू हाइज बनाएगा और उसके बाद आगे जाके आईटी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को लग रहा है। मगर अगर मैं बात करूँ कि रेकमेंडेशन की, प्लीज़ इसको वीडियो किसी भी रेकमेंडेशन पर्पसेस के लिए मत लीजिएगा और प्लीज़ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर की, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा मार्केट पे ओवरऑल भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं HDFC बैंक की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो ये बैंकिंग में मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस वक्त ये 1400 के आसपास चल रहा है, तो इसके आसपास 1300 से 1400 के आसपास ये काफ़ी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना देता है। तो भाई गाइज आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में आपका क्या ओपिनियन आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि मार्केट अच्छी चल रही है बुरी चल रही है इस वक्त, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और डालना चाहेंगे या रुकना चाहेंगे या बाहर निकालना चाहेंगे, आप कमेंट्स में मुझे कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता सकते हैं। तो गाइज इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।